चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। लोकसभा चुनाव 2019 का सवाब अपने चरम पर पहुंच चुका है। पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा आज द्वारका विधानसभा में पदयात्रा करने पहुंचे। अपने नेता के स्वागत में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे और प्रवेश वर्मा के साथ इलाके में पदयात्रा की। इस मौके पर तमाम भाजपा कार्यकर्ता, नेता और सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक भी उपस्थित रहे। आइए आपको लेकर चलते हैं इस पदयात्रा में और आपको रूबरू कराते हैं भाजपा कार्यकर्ता एवं नेताओं के विचार से। देखिए, मैंने भी यहाँ कई चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं, और जब जब भी चुनाव का समय आता है तो हमारा कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। खाली चुनाव के समय नहीं है, हमारी जो पार्टी है उसका जो संगठन है उसके अंदर 12 महीने कार्यकर्ता के साथ मीटिंग होती है, हमारे अपने पार्टी के कार्यक्रम चलते हैं। ऐसा हमारी पार्टी में नहीं होता कि चुनाव हो गए उसके बाद कार्यकर्ता बैठ गया या सारी गतिविधियां ठप होगी। तो संगठन की गतिविधियां 12 महीने चलती रहती हैं, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता हमारे हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए, आपको अगर आप कैमरा घुमाएंगे आपको देखने को मिलेगा जोश के बारे में, तो हम कह नहीं सकते। कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं। और बात रही दोबारा की, तो मुझे लगता है कि हर बार प्रवेश वर्मा ही यहाँ से लोकसभा जीत के जाएंगे और इस बार एक रिकॉर्ड और बनने वाला भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी लोकसभा के। दिल्ली में पिछले बार भी सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे, इस बार भी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। हो सकता है इस बार का आंकड़ा कुछ लाखों में, कई लाखों में पार हो जाए। मेरा मन हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है। हमारी लड़ाई इन झूठे नेताओं से, इन झूठी पार्टियों से है जो झूठ के नाम पर भ्रम फैलाते, जिन्होंने दिल्ली को ठगा है। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस मुक्त तो भारत वैसे ही होने वाला है। बात रही आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी अपनी जमीन अनुभाई खो चुकी है पूरी तरह से। आज पूरी जनता मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। कल आपने देखा होगा मोदी जी किस तरह से काशी में, तो पूरा देश आज मोदी में हो गया है। तो एक एक वोटर आज की डेट में जो घर से खुद निकल के आ रहा है मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहा है, आज कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हमारे सांसद जी अगर आज चाहें और तो सुबह से शाम तक भी अगर किसी कार्यकर्ता को बोला जाए काम करने के लिए, इवन रात भर भी हम किसी को लगाना चाहें तो पूरी रात कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो सिर्फ एक लोगों के पास जाने का बहाना है, क्योंकि चुनाव में समय बहुत कम होता है, बहुत लेट टिकट हुई है। तो आज पूरी विधानसभा को कवर करने का और लोगों तक प्रवेश जी का एक बार सभी से राम राम के लिए ये रैली का आयोजन किया गया, क्योंकि वैसे तो सभी का जुड़ाव है और आपको पता है देश में कल देश आप पूरे देश क्या पूरे विश्व ने देखा होगा, ऐसा नेता सदियों में ना कोई आया है ना आएगा। कल की रैली ने, मोदी जी की रैली ने ये साबित कर दिया कि देश की जनता राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है, राष्ट्रभक्तों के साथ खड़ी है और विकास के साथ खड़ी है, सबका साथ सबका विकास के साथ खड़ी है। जो आज जितने ठगबंधन हो रहे हैं, गठबंधन हो रहे हैं, उन लोगों को आज ये महसूस होने लग गया कि अब की बार मोदी जी आएंगे तो उनका जेल जाना, जो उन्होंने 70 वर्षों से देश को लूटा है, एक एक पाई का हिसाब मोदी जी लेने जा रहे हैं। और देश की जनता जिस व्यक्ति की तलाश में थी वो व्यक्ति उनको मिल गया है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी। उन्हें 400 पार का जो नारा है वो संपूर्ण पूर्ण होने जा रहा है, दिल्ली की सातों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आप हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह एक पर्व की तरह हो रहा है, हम एक राष्ट्रीय पर्व की तरह इस चुनाव को ले रहे हैं। चुनाव को चुनाव की तरह नहीं, राष्ट्रीय पर्व की तरह ले रहे हैं कि जिस तरीके से त्यौहार मनाते हैं उस तरीके से हम इस चुनाव को ले रहे हैं। और हम पिछली बार 1.5 लाख मतों से जीते थे और अब क्या 2.5 से 3 लाख मतों से जीतने का पूरा दृढ़ संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने ले रखा है। और भाई प्रवेश वर्मा जी 2.5 से 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं, मैं आपको ये जानकारी दे दूँ। मोदी मैजिक दोबारा काम करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। प्रवेश वर्मा जी ने पश्चिमी दिल्ली में जो अब तक जितने भी सांसद बने उनसे सबसे ज़्यादा काम किया, और प्रवेश वर्मा जी का हर वर्कर बड़े मान और सम्मान से हमेशा उनको अपने दिल पे बिठा के रखता है। और प्रवेश वर्मा जी का नाम जब अनाउंस हुआ तो कार्यकर्ताओं में जोश आया कि कहीं जैसे लग रहा था दिल्ली में कि नॉमिनेशन कौन करेगा, कैंडिडेट कौन होगा, लेकिन जितनी देरी हो रही थी हर वर्कर के दिल में एक
पीड़ा सी थी, पता नहीं क्यों देरी हो रही है, लेकिन देर होते ही रात से ही वर्कर जाग गया और आप देख रहे हो दिन 3:30 बज रहे हैं अब, और इतनी धूप के अंदर भी कार्यकर्ता खड़े हैं तो कार्यकर्ताओं में जोश है तभी खड़े हैं। लगता नहीं हम जीतेंगे 100%। सुना आपने भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं की माने तो एक बार फिर से पश्चिमी दिल्ली की जनता प्रवेश वर्मा पर ही भरोसा करेगी और उन्हें दोबारा से चुनकर संसद में भेजेगी। वास्तव में भाजपा नेताओं के दावे में कितना दम है यह आने वाली 23 तारीख को पता चल जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।